हेलो फ्रेंड्स, मैं देव सागर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव पेट्स डॉग ब्रीडिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल के कंसीव के कंफर्मेशन के बारे में कि आप कैसे समझ सकते हैं कि आपने जो फीमेल मेट कराई थी वो कंसीव हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो मैं आपको डेमो देकर बताता हूँ। मेरे पास में एक फीमेल है, वो कंसीव है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो फीमेल कंसीव है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक शिह ट्ज़ू फीमेल है। इसको मैंने 10 मार्च को मैट कराया था शिह ट्ज़ू मेल से, तो उसके बाद ये फीमेल कंसीव हो चुकी है। अब जैसे कंसीव होने के लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका जो निपल का साइज है वो थोड़ा बढ़ गया है और पिंक कलर के हो गए हैं। इसके साथ में थोड़ा थोड़ा पेट का साइज भी लगभग बढ़ने लगा है। डेट के अकॉर्डिंग ये लगभग 36-37 दिन की कंसीव फीमेल है। इसकी सबसे ज्यादा पहचान यही होती है फ्रेंड्स, इनका जो निपल्स होते हैं वो पिंक हो जाते हैं। पिंक होने के बाद इनका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। इसके बाद में फ्रेंड्स जो पेट का साइज है वो हर दिन बड़ा होता जाएगा। तो इसके साथ में मैंने आपको बताया है, जैसे आपको अब ये पता है कि ये कंसीव है, तो इसके साथ में आपको मल्टी विटामिन, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें चलानी है। ये छोटी ब्रीड है फ्रेंड्स, तो आप दिन में एक बार भी इसको दे सकते हैं। जैसे आपने सुबह इसको मल्टी विटामिन और कैल्शियम दे दिया, शाम को आप इसको आयरन दे दीजिए, और फूड जो भी आप दे रहे हैं फूड के साथ में फ्रेंड्स डाइजीन जरूर दीजिए। डाइजिन इसलिए हम लोग देते हैं ताकि इसके पेट में जो पपीज़ हैं वो गैस बनने की वजह से उनका कुछ उनको दिक्कत ना हो। दरअसल क्या होता है कि इस टाइम पे जो फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और उसकी वजह से गैस बनती है। गैस बनने की वजह से जो पेट में जो गैस इकट्ठी होती है उससे पपी का दम घुट जाता है। इस वजह से हम इसको डाइजीन भी देते हैं। तो आप डाइजीन इसे टैबलेट फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, दोनों में से किसी में भी दे सकते हैं। तो आप लिक्विड फॉर्म में या टैबलेट इसे ज़रूर दें। बाकी इसके अलावा फ्रेंड कोई और टैबलेट इसको नहीं देनी है या कोई और दवाई नहीं देनी है, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना है जब तक ये पपी से नहीं दे देती है। अब फ्रेंड्स मैं आपको जब भी ये पपी देगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि फीमेल ने बच्चे दिए हैं, तो वो वीडियो में कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। तो आप बाकी देखिए, मैंने कुछ सिनेमेटिक शॉट्स डाल रखे हैं इसके, वो देखिए आप, इंजॉय।